जो राम भक्त है वो खुश है, जो राम विरोधी है उनके सांप लौट रहे हैं सीने में। हो सकता है कल जिस समय मोदी जी काजल लगावे रामचंद्र जी के, कितने लोगों के हार्ट फेल हो जाए, कितने लोगों की आवाज चली जाए, कितनों के बुखार आ जाए। ये राम का काम हो रहा है, इसमें तुम लोग कुछ कर नहीं पाओगे। विरोध करके राम के साथ हो जाओ, नहीं तो तोतले हो जाओगे, मरोगे तो कौवा बनोगे, पितर पक्ष में भी नहीं पूजे जाओ। अच्छा, जो लोग पूरा देश राममय हुआ है, और हमारे साथ बात करने के लिए अन्नू अवस्थी जी हैं। स्वागत बाका हाल बा भैया। बहुत मौज में है, और समय तो बहुत ही ज़्यादा मौज में है। कहे कि हमारे राम जी का मंदिर योगी जी मोदी जी और भद्राचार्य जी ने बनवा दिया, तो बस मौजे मौज हो रही। आगे का जीवन बस अब राम में भरोसे कटेगा। पूरा देश राममय हुआ, एकदम जगजगा रहा है, क्या कहना चाहेंगे राम भक्तों के लिए? जो राम भक्त है वो खुश है, जो राम विरोधी है उनके सांप लौट रहे हैं सीने में। हो सकता है कल जिस समय मोदी जी काजल लगावे रामचंद्र जी के, कितने लोगों के हार्ट फेल हो जाए, कितने लोगों की आवाज चली जाए, कितनों के बुखार आ जाए। ये राम का काम हो रहा है, इसमें तुम लोग कुछ कर नहीं पाओगे। विरोध करके राम के साथ हो जाओ, नहीं तो तोतले हो जाओगे, मरोगे तो कौवा बनोगे, पितर पक्ष में भी नहीं पूजे जाओ। अच्छा, जो लोगों को निमंत्रण मिला है वो भी नहीं आ रहे हैं? हाँ, जिन लोगों को निमंत्रण मिला है वो नहीं आ रहे हैं, इसी वजह से हमारे जैसे लोग आए हैं बताने कि रामचंद्र जी को किसी पापी की ज़रूरत भी नहीं है, रामचंद्र जी अपनी नज़र से किसी पापी को देखना भी नहीं चाहते, इसीलिए वो नहीं आ। पहली बार नज़र खुलेगा तो भक्तों को देखेंगे और किसी को नहीं? हाँ, राम जी जब अपनी आँख खोलेंगे तो केवल राम भक्तों को देखना चाहते हैं, इसीलिए वो लोग चाहते हुए भी नहीं आ सकते जो नहीं आ रहे हैं। जो अखिलेश यादव भी नहीं आ रहे उनको क्या कहेंगे भैया, तो यूपीए के हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी के पास सही सलाहकार नहीं है एक भी जो उनको सही सलाह दे। अखिलेश जी आँख से देख रहे हैं कि सनातन धर्म का जोर चल रहा, राम का जोर चल रहा, लेकिन उसके बाद भी उनको सब हरा हरा दिखाई दे रहा। ईश्वर मालिक है, क्या होगा उनका, हमारे तो भतीजे हैं, हम कुछ कह ही नहीं। आखिरी प्रश्न, जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी के बारे में क्या कहेंगे, जिनके द्वारा दिए गए बयान जो है वह गवाह के तौर पर उसके साक्ष्य को माना गया, क्या कहेंगे गुरु जी के बारे में? अगर राम भद्राचार्य जी ना होते तो हो सकता है अभी 20 साल तक का राम मंदिर और ना बनता। पूरा योगदान राम भद्राचार्य जी को जाता है, जिन्होंने खड़े होके 441 प्रूफ दिए, और जिसको मुसलमान जज ने माना, मुसलमान जज ने कहा कि आप कोई साधारण आदमी नहीं है। और सच में राम भद्राचार्य जी कोई साधारण आदमी नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि ये जितने शंकराचार्य और फलाने चार ढिकाने चार हैं, इनने कोई योगदान नहीं दिया ना राम मंदिर में ना सनातन में। एक देश, एक चुनाव और एक महात्मा होना चाहिए, जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य पर्याप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु जी हमारे जिले के हैं भैया। ये अन्नू अवस्थी जी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अयोध्या के बारे में लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पूरा देश जो है राममय हुआ है, और तमाम जो है हम आपको खबरें दिखाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं किसी खबरों के अन्य पड़ाव पर सहयोगी विपिन सैनी के साथ। मैं राजसैनी, अयोध्या।